तो अभी हम लोग मौजूद हैं गुजरात के बनासकांठा जिले के वडगाम असेंबली सीट में, और चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चुनावी गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, चूंकि 5 दिसंबर को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, मतदान पड़ने वाले हैं, और यहाँ से लड़ाई काफ़ी तगड़ी मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा ने जिस कैंडिडेट को टिकट यहाँ से दिया है वो भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। तो हम यहाँ के लोकल स्थानीय नागरिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में मुद्दे क्या हैं, आप लोगों के यहाँ मुद्दा क्या है। हमारे यहाँ मुद्दा मोघवारी, बेरोजगारी और गरीब वर्ग गरीब होता है, सुखी वर्ग सुखी होता है, और ये मध्यम वर्ग का लोगों की बहुत समस्या है। इसलिए यही बारी हम सब जिग्नेश मेवाणी को वोट देने के लिए तैयार है। भाजपा 27 साल से है यहाँ पे, तो क्या लगता है, कैसे आप देखते हैं उनके 27 साल का जो रूल रहा है गुजरात में, तो कैसे आप लोग देखते हैं, क्यों आप लोग भाजपा पे वोट नहीं देना चाहते हैं, जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस से उनको देना चाहते हैं? भाजपा सरकार ना जो कोई कामों भाजपा सरकार एम बोलती है, बोले छे कि हमें खूब काम करो, पर अहीं कोई काम करो नहीं, अने गरीब पब्लिक ने केवी रीते जीवन जीवू इनी मोटी समस्या से, एटले तमाम गरीब पब्लिक इनका विरोध में अभी बोलती है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से आई है, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी पार्टी हैदराबाद से आ गई है, AIMIM, तो क्या लगता है वोट बटेगा कांग्रेस का यहाँ पे? नहीं बटेगा, इनको भी कहीं मिलने वाला नहीं है। तो केजरीवाल तो बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, तो वो खोटी बात कर रहा है। अच्छा, खोटी बात कर रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी की अगर बात की जाए तो कैसे आप लोग देखते हैं इनको, क्या मतलब 5 साल जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव जब इन्होंने जीता था, तो वो आप लोगों के बीच में रहते थे या वो भी गायब हो जाते थे? मेवाणी साहब हमारे बीच में रहते थे और काम भी अच्छे किए, और अभी जीत के आएंगे और भी अच्छा करेंगे काम। ये बताइए, आप चूंकि डिप्टी सरपंच भी हैं तो गांव का विकास का काम भी आप लोग देखते होंगे, तो कैसा रहा है विकास 27 साल में यहाँ भाजपा के राज में गुजरात में, खास करके वडगाम में आपके असेंबली में? वडगाम में विकास तो आपने देखा होगा, है नहीं विकास, और मोदी बोलता है सिर्फ बस ऊंचे ऊंचे आवाज से कि विकास है विकास है, लेकिन आप देख सकते हो गुजरात आए हो तो कई विकास आपको दिखाई दिया, विकास है ही नहीं वडगाँव में। अरे सब मोदी जी आते हैं कि मैंने इतना पैसा दे दिया इतना दे दिया, पर लेकिन कुछ नहीं है, सब कागज पे ही है, जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, जिग्नेश मेवाणी जी भी यहाँ से चुनाव में खड़े हैं, भाजपा से जो खड़े हैं वो पहले कांग्रेस के कैंडिडेट होते थे, और अब केजरीवाल की भी पार्टी आ गई है, ओवैसी साहब की भी पार्टी आ गई है, तो चौतरफा लड़ाई है या फिर अभी भी सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही है? दो ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। ये दिल्ली मॉडल तो काफ़ी बोला जा रहा है, हर जगह टीवी पे दिखाई दे रहा है दिल्ली मॉडल केजरीवाल का, वो आ रही है यहाँ पे सरकार बना रही है, कैसे मानते हैं आप इन दावों को? नहीं झूठे सब, सब झूठे, इधर कोई नहीं, आप दो ही पार्टी चलेगी, बीजेपी और कांग्रेस। आप लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे आगे भी, तो क्या वो पिछले 5 साल में आप लोगों के बीच में रहते थे? हाँ रहते थे, रहते थे। किस तरह का काम किया है उन्होंने? काम करा जो जिन्हें जिस लोग ने काम बताया वो इतना जो बनता है वो कर सकता है, वो अभी इसमें क्या धारा सभा का काम क्या होता है, व्यक्तिगत काम नहीं कर सकता, लेकिन जनरल काम होता है वो कर सकता है। देख लाते कि वो पानी की बात की तो क्या वहाँ की, और रोड का काम जो इन्होंने बोला है उसने किया है काम। क्या लग रहा है यहाँ पे, चूँकि आप पार्टी के लिए कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं, तो माहौल कैसा है, क्या लग रहा है कांग्रेस के फेवर में कितना है माहौल? यहाँ वडगाम की सीट पर कांग्रेस ही आएगा। कारण ये है कि भाजपा एक दो, 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 दो बार भाजपा आया, एक फकीरपुर आया और दूसरा का नाम पता नहीं। ये वडगाम की सीट ऐसी है, क्या जादू है मुझे खबर नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन ये वडगाम की सीट पर कांग्रेस ही आएगा और आता ही रहेगा। तो ये थे वडगाम के स्थानीय लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिग्नेश मेवाणी जिन्होंने 2017 में चुनाव तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीता था, परंतु 2022 में वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार भी इस सीट से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है।
क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है या जो उन्होंने वादे किए हैं तो वो लोगों के बीच में रहे हैं और उनके मुद्दों को उन्होंने उठाया है। अब 5 तारीख को ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब लोग अपने घरों से वोट डालने जाएंगे तो क्या वो जिग्नेश मेवानी को वोट करेंगे या भाजपा को, आम आदमी पार्टी को या फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM को। रिजल्ट्स तो 8 ही तारीख को ही आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित रावत के साथ आनंद सिंह, द न्यू इंडियन, वडगांव।